आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में जनपद मुरादाबाद में अवैध शराब के निर्माण विक्रय एवं तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत उप आबकारी आयुक्त मुरादाबाद प्रभार के नेतृत्व में बातू कॉलोनी आदर्श कॉलोनी एवं हाबुड़ा कॉलोनी में दबिश चेकिंग की कार्यवाही की गई। उक्त कार्यवाही के दौरान दो अभियुक्त पकड़े गए व लगभग 150 बल्क लीटर अवैध शराब बरामद हुई तथा लगभग 350 किलोग्राम लहन मौके पर नष्ट किया गया। दबिश टीम में जिला आबकारी अधिकारी मुरादाबाद, सहायक आबकारी आयुक्त प्रवर्तन एवं आबकारी निरीक्षक अपराध निरोधक क्षेत्र मुरादाबाद व प्रवर्तन मुरादाबाद में स्टाफ उपस्थित रहे। दिन भर की कार्यवाही में कुल 6 अभियुक्त पकड़े गए तथा लगभग 225 बल्क लीटर अवैध शराब बरामद हुई। ये छापेमारी की गई है, इसकी क्या कहना चाहेंगे आप? आबकारी आयुक्त महोदय के आदेश के क्रम में, जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुपालन में और उप आबकारी आयुक्त मुरादाबाद के निर्देशन में ये जो अभियान चलाया जा रहा है और दिनांक 1 तारीख से 15 तारीख तक यह विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। इसमें जगह जगह पर जो छापेमारी की जा रही है, जहाँ संदिग्ध जगह है और अवैध शराब के अड्डे हैं, वहाँ पर जो छापेमारी की जा रही है। इसी के क्रम में आज दिनांक 5 मार्च को और बातू कॉलोनी, आदर्श कॉलोनी और ये जो हाबुड़ा कॉलोनी में दबिश की गई है और इसमें पूरी गलियों में यहाँ ब्लैकमार्क की गई है। संदिग्ध घरों में, संदिग्ध जगहों पर जो छापेमारी की गई है और यहाँ पर जो सैकड़ों लीटर और लहन नष्ट किया गया है और लगभग अभी जो लगभग 6 लीटर कच्ची शराब के आसपास जो बरामद हुई है, एक अभियुक्त बरामद हुआ जो पकड़ा गया है, अभी ये कार्रवाई चल रही है। गई है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारा जो आबकारी आयुक्त महोदय के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के आदेश प्रशासन पुलिस और आबकारी की संयुक्त टीमों द्वारा जगह जगह छापेमारी की जा रही है। उसी के क्रम में आज जो बातू कॉलोनी और आदर्श कॉलोनी भी है, इसमें जो छापेमारी की गई और जो हाबुड़ा कॉलोनी और जगह जगह पर जो यहाँ लहन मिला है और जो फ्लैग मार्च किया गया, क्योंकि इसमें कोई अपनी घटना न घट जाए, इसलिए हम पुलिस और आबकारी विभाग और प्रशासन सचेत है और सख्त है और अभी इसमें कार्रवाई चल रही है और ये हमारा 1 तारीख से 15 मार्च तक ये अभियान चल रहा है। इसमें जगह जगह पर जो छापेमारी की जाएगी, अवैध अड्डों पर जहाँ अवैध शराब के अड्डे हैं, वहाँ पर छापेमारी की जाएगी, की जा रही है। सर, आज कितना बरामद करा गया? अभी बरामद खास नहीं हो पाई है, अभी जो अभी पता लगेगा, हमारी जो टीम अभी काम कर रही है, काफी जो है जो लहन जो अभी लगभग 400-500 कुल जो लहन नष्ट किया गया है और अभी और भी जो बरामदी होगी वो बाद में बताई जाएगी। सर, कितने अभियुक्त पकड़ गए? जी, सर, कितने अभियुक्त पकड़ गए? अभी तो भी कोई ऐसा पकड़ा नहीं गया है, सब लोग जो यहाँ नदार मिले हैं, यहाँ पर सब जो अपना घरों से भागे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लहन में मिला है और ऐसी संभावना हो सकती है कि ये जो शराब की बरामदी हुई है, लेकिन लहन किया गया है, लहन मिला है।